अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एनटीएस टेस्ट गाइड तरफ से आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, वंस अगेन आपके लिए ला रहा हूं मैथमेटिक्स की वीडियो। कल जो टेस्ट हो चुका है सिटी का 2 PM पर, कल मीन 24 जनवरी 2021 को 2 PM पर जो टेस्ट हो चुका है, इसका मैथमेटिकल पार्ट के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, जबकि ये सेकेंड वीडियो है। और इसके साथ इस चैनल पर आपको और टेस्टों के बारे में, जैसे एनटीएस के टेस्ट होते हैं पीएसटी सिटी वगैरह के लिए, इसके बारे में आपको डिटेल मिलेंगे। इसके साथ साथ जितने भी ईटा पर टेस्ट रहे हैं या कोई पुलिस कांस्टेबल वगैरह के लिए, जितनी भी या पेट्रोल ऑफिसर के लिए है, ये आपको ये सर्विस ये चैनल आपको प्रोवाइड करेगा। अब इसके साथ ये चूंकि आप देख रहे हैं कि मैं कितनी इंस्पिरेशन के साथ हर वीडियो बना रहा हूँ, तो लेट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है, 30 तक मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो नाउ 31। अब मसला यहाँ पर ये है कि ये जो पेपर है, आई थिंक ये ग्रीन है, ये पिंक है, जबकि इससे पहले बार जो मैं अपलोड कर मैंने अपलोड किया वो पिंक था। तो लिहाजा सम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होंगे, दोबारा यहाँ पर आएंगे, तो मैं उसको स्किप करूँगा। बाकी क्वेश्चन जितनी भी है उसको मैं सारा साल करूँगा, तो वीडियो को आखिर तक देखेंगे। नाउ लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 31। cos n theta plus iota sin n theta, ये इस तरह है कि cos theta plus iota sin theta ये इक्वल होता है e raised to power iota theta के। मेरे अल्फाजों को गौर से सुनना, cos theta n मैंने कहा, cos theta plus iota sin theta ये बराबर होता है e raised to power iota theta के। इसको हम demure theorem भी कहते हैं। जब हम इसका पावर लेते हैं, e raised to power iota theta का पावर लेते हैं n, तो ये इसके एंगल में या इसके आर्गुमेंट में आ सकते हैं। तो ये एक्चुअली बराबर है ऑप्शन डी की, e raised to power iota n theta के। करेक्ट ऑप्शन है e raised to power iota n theta के। नाउ ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 32, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो पे जो पहले वीडियो है इससे मैंने सॉल्व किया है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी मैं सॉल्व कर चुका हूं। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन 34 है, इफ a इज इक्वल टू i प्लस j एंड b इज इक्वल टू i माइनस j, देन a डॉट b इज व्हाट। ये तो वे सिंपल है, अगर आपने फिजिक्स किया है तो जस्ट विद इन सम स्टेप आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये है a डॉट b, आप जस्ट इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो। अब मैंने i इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर j इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब i डॉट i माइनस i डॉट j, j डॉट i माइनस j डॉट j। अब यहाँ पर मसला है कि डॉट प्रोडक्ट में आपने ऑर्डर को, अगर आप ऑर्डर को चेंज करते हो तो कोई मसला नहीं होता। j डॉट i या i डॉट j, ये समथिंग i डॉट i, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर याद रखना, i डॉट i, j डॉट j, अगर ये जो i j है ये एक्चुअली along the xyz, along the xy ये यूनिट वेक्टर है। तो i डॉट i इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1, और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 है, जबकि i डॉट j इन दोनों के दरमियान एंगल 90 होता है, और यहां पर डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा होता है, तो cos 90 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक नहीं, मैं साइन जीरो लगाया, लेकिन ये इसकी कोई जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ता। cos 90 इक्वल टू 0 होता है। तो सिंपल है, अगर i डॉट i है या j डॉट j है, ये 1 होगा, i डॉट j, j डॉट i इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये जो ये इसको ये कैलकुलेशन लेता है 1, ये 0 0, जब ये 1, तो आपके साथ रिजल्ट होगा a डॉट b इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी, इसमें रिजल्ट है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड इफ ऑफ x प्लस 1, जबकि इफ ऑफ x हमारे साथ गिवन है, इफ ऑफ x गिवन है, लेकिन x इस x की जगह आपने x प्लस 1 को पुट करना है, तो आपके साथ रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो लेट देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है इफ ऑफ x, ये इफ ऑफ x गिवन है, आपने जस्ट यहाँ पर x की जगह x प्लस 1 पुट करना है। अगर आप यहाँ पर x प्लस 1 पुट करते हो, तो हर जगह पर आप जगह जहाँ भी x है वहाँ पर आपने x प्लस 1 पुट करना है। तो x प्लस 1 यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो यहाँ पर x प्लस 1 अगर पुट करते हो तो स्क्वायर बन जाए, इसके बाद ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर आप इसने लेना है माइनस 2 इनटू x प्लस 1 माइनस 1। अब यहाँ पर ये फार्मूला है, जस्ट इसको एक्सपेंड कर दो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ a एंड b, तो 2a a b, यहां पर b 1 है, तो इस तरह ये इसको एक्सपेंड कर दो, इसके बाद -2x -2 -1, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन, ये इसके साथ कैंसिल, 1 -1 के साथ कैंसिल, x - a स्क्वायर -2 इज द रिजल्ट।
तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर माइनस टू, दिस इज द करेक्ट रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो चुका है, इसमें ये क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन भी हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, और 33 इस तरह है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 3 एक्स स्क्वायर डीएक्स है। ये मैं इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि 0 ये 3, अगर कोई आप कोई और ऑप्शन है आपने क्वेश्चन दिया को याद है तो आप मुझे सेंड कर दें, मैं इसको सॉल्व करूंगा। अगर 0 3 है तो इसका कैलकुलेशन का रिजल्ट मैं कैलकुलेट करके आपको यहां पर रिजल्ट दे दूंगा। तो यहां पर आपने जिस इसको सॉल्व करना है विद इन वन लाइन आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो एक्स स्क्वायर। इससे पहले जो वीडियो थे मैंने यहाँ मैं आपको बताया था कि आप इंटीग्रेशन आप एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब इसका इंटीग्रेशन आप किस तरह इसको फाइंड कर सकते हो। इसके लिए हम पावर रूल यूज करते हैं, इसके पावर के साथ हम एक इंक्रीज करते हैं, इसी जो इंक्रीज वाले पावर है इसको इस पर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 2 हो सकता है तो इंक्रीज कर 3 हो जाएगा डिवाइड बाई 3, और 0 टू 3 ये तो इसके लिमिटेशन है, यहाँ पर 0 है जबकि यहाँ पर 0 है, इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। अब 1 बाई 3 ये अपनी जगह इसको मैंने इसको बाहर कर दिया, और तो एक्स की जगह आप यहाँ पर सबसे पहले अपर बाउंड जिसको हम अपर बाउंड कहते हैं इसको पुट कर दो, तो एक्स की जगह आप इसको 3 पुट कर दो तो इसका पावर भी 3 है, तो 3 पावर 3 माइनस ये लोअर बाउंड इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा इसके जब इसको इसको एक्स में पुट करते हो, तो एक्स 3 पावर 3 माइनस 0 पावर 3। अब 3 पावर 3 क्या है, 27 है, ये 0 खत्म हो जाएगा डिवाइड बाई 3, दिस इज द रिजल्ट इज 9। आई थिंक ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट है, दिस इज 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1, ए बी इज इक्वल टू 4, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज व्हाट। ए प्लस बी गिवन है, ए बी गिवन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ने आप यहां पर मुझे मालूम करना है, तो जस्ट फॉलो मी। यहाँ पर है a प्लस बी इक्वल टू माइनस 5, ए बी इक्वल टू 4, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हमें जो हमारा टारगेट है जो मालूम करना है ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसको मैं अरेंज करता हूँ तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके साथ मैं 2ab को ऐड करता हूँ माइनस 2ab को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ये जो है 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी होल स्क्वायर है माइनस 2ab है, तो इसकी जगह अगर मैं इसको फुट करता हूँ इसकी जगह तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पर माइनस ए बी जबकि माइनस 2ab ये है, तो ये दोनों ऐड होकर माइनस 3ab बन जाएगा। अब जस्ट फुटिंग द वीडियो a प्लस बी गिवन है माइनस 5 है, ए प्लस बी फिर माइनस 5 यहाँ पर स्क्वायर है माइनस 3 इंटू ए बी क्या है 4 है, जस्ट फुटिंग द वीडियो है माइनस 5 अपनी जगह 5 स्क्वायर 25 जबकि माइनस 12 को इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका रिजल्ट होगा 13 माइनस 65 इज ओवरऑल रिजल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दिस इज माइनस 65। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, डिटरमिनेंट ऑफ दिस, दिस इज अ वेरी सिंपल डिटरमिनेंट है। यहां पर अगर आप चाहते हो तो चलो मैं आपको दिखाता हूं किस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जस्ट आपने यहाँ पर डिटरमिनेंट पे लिखना है, इसके बाद डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो माइनस आप डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये है माइनस 8, यहाँ पर ये माइनस ये है फार्मूले का फार्मूला माइनस है जबकि माइनस 3 ये, तो ये प्लस 3 बन जाएगा रिजल्ट होगा माइनस 5। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ माइनस 5, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। 38, 0.125 10 पावर माइनस 4 गिवन है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब याद रखना साइंटिफिक नोटेशन में जब आप एक नंबर को लिखते हो तो सबसे पहले ये बात याद रखना कि इसमें सबसे एक सिर्फ ओनली वन डिजिट एक नंबर को आपने पॉइंट से बाहर निकालना होगा या एक नंबर को पॉइंट के बाहर रखना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक नंबर को यहाँ पर इसको इस साइड पर ले आऊँ तो ये 1 पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। 25 यहाँ पर ऑलरेडी माइनस 4 है, और अगर मैं इसको लेफ्ट से राइट से पॉइंट मूव कर रहा हूँ लेफ्ट की तरफ तो इसका जो पावर है ये मैंने पॉइंट को यहाँ पर रख दिया तो इसका जो पावर माइनस में एक इंक्रीज हो जाएगा तो माइनस 5 बन जाएगा। तो करेक्ट रिजल्ट हुआ ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी इसमें करेक्ट नहीं क्योंकि यहाँ पर माइनस 3 है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस 4 माइनस 1 दिस इज माइनस 5, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 हो चुका है,
क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है पाइन जनरल वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ माइनस 5, लॉग ऑफ माइनस 5 की जनरल वैल्यू क्या है। अब इसका कैलकुलेशन जो है इसके बेसिक में जाने के लिए, क्योंकि अगर आप इसको समझना चाहते हो तो आपने इसके बेसिक को समझना होगा। अब इसको कैलकुलेशन करना थोड़ा सा इट मीन लेंथी प्रोसेस था। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि आप इस क्वेश्चन पर अलग से वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करूँगा। लेकिन थोड़ा सा इसके लिए इंट्रोडक्शन में जाना होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, log of 5 प्लस iota 2k प्लस 1 इंटू 5, ये करेक्ट ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। फाइंड एक्सीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका एक्सीएफ आपने मालूम करना होगा। तो इसका एक्सीएफ जस्ट सिंपल है, आप इसका एक्सीएफ वेरी सिंपल इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप HCF मालूम करना चाहते हो तो ये दोनों मैंने लिख दिया। इसके बाद आप इसको जस्ट फैक्टराइज कर दो, इन दोनों को फैक्टराइज कर दो। अब मैं सबसे पहले इसको फैक्टराइज करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहली वीडियो में बताया कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो फर्स्ट है और थर्ड है, एक्सक्वेयर वाला टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3x² बन जाएगा। अब इस 4 को स्प्लिट करना है ताकि इसके मल्टीप्लिकेशन 3x², जबकि वापस -4x भी रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने -3x -x लिख दिया प्लस 3। अब इससे कॉमन x ले लो x माइनस 3, यहाँ पर माइनस 1 ले लो x माइनस 3, x माइनस 3 बाई x माइनस 1, ये होगा इसका फैक्टराइजेशन। नाउ फैक्टराइजेशन के बाद मैं अब सेकंड लेता हूँ। अब सेकंड जो है ये है, इसको मैंने लिया, अब इसको फैक्टराइज करता हूँ। यहाँ पर इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 6x² है। अब माइनस 5x को आपने 2 फैक्टर में डिवाइड करना है ताकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट, ये इससे प्रोडक्ट कैलकुलेट हो जाएगा, जबकि वापस माइनस 5x भी रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने माइनस एक्स और प्लस 1 प्लस एक्स लगाया प्लस 6, इससे मैंने कॉमन लिया तो आपके साथ रिजल्ट हो गया ये। अब अगर आप इस पर गौर करते हो तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो मैंने कोई गलती की। तो लेट्स, यहाँ पर मैंने आर लिख दिया है ताकि मैं इसको इस तरह भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, x² माइनस 5x प्लस 6। अब ये 3 और 2 अगर मैं लिख दूँ तो इसके साथ इसके रिजल्ट भी क्या होगा, ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6 बन सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया कि ये भी करेक्ट है। यहाँ पर मिस्टेक है तो इसको नो कर दो, यहाँ पर ये करेक्ट है। तो x² माइनस 3x माइनस 2, क्योंकि मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो इसमें नहीं है, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 को लिख दो, इससे x कॉमन ले लो, x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 जस्ट x माइनस 3x माइनस 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो HCF वही है, तो x माइनस 3 इसमें कॉमन है, तो आपके साथ रिजल्ट हो गया x माइनस 3। तो करेक्ट रिजल्ट जो है ऑप्शन ए है, x माइनस 3। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट है क्वेश्चन नंबर 40, कोसेकेंट ऑफ बीटा। ये बीटा को जिस तरह लिखा है कि पावर में है, पावर में है, ये एंगल ऑफ कोसेकेंट है। कोसेकेंट जो है एक्चुअली इनवर्स है साइन का, या साइन, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, साइन कोसेकेंट और साइन। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी, साइन और कोसेकेंट एक दूसरे का इनवर्स है, तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट है। इस तरह कॉस का इनवर्स है सेकेंट, या सेकेंट का इनवर्स है कॉस, टेंजेंट का इनवर्स है कोटेंजेंट, या टेंजेंट कोटेंजेंट का इनवर्स है टेंजेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। इसके साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।